सो हाय गाइस, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बस फिट है। गाइस, आज इस वीडियो में एक अनोखी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसकी मदद से आप वर्ड डॉक्यूमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, यहां पे हम एग्जांपल के तौर पे एक ऑफर लेटर ले रहे हैं। लाइक आप किसी कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं और आप काफी सारे एम्प्लॉयज डेली के रिक्रूट करते हैं और उनके लिए ऑफर लेटर जनरेट करते हैं। तो हम यहाँ पे एक ऐसा वर्ड डॉक्यूमेंट ऑफर लेटर जनरेट करेंगे, क्रिएट करेंगे, जिसमें आपको सिर्फ एम्प्लॉय का नेम इनपुट करना है और उसकी डेजिग्नेशन, किस डेजिग्नेशन पे आप रिक्रूट कर रहे हैं, और जैसे एंटर बटन प्रेस करेंगे उसका ऑफर लेटर तैयार हो किया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे मैंने ये ऑफर लेटर की टेम्पलेट क्रिएट करी है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पे जस्ट अपने कीबोर्ड से दबाऊंगा ऑल्ट प्लस F8 और यहां पर मेरे पास मेरा मैक्रोज रन होने के लिए रेडी हो जाएगा जिसमें क्रिएट ऑफर लेटर लिखा आ रहा है। जैसे मैं रन पे क्लिक करूंगा तो यहां पे मुझसे पूछेगा एंटर द कैंडिडेट्स नेम। तो सपोज निखिल शर्मा का यहां पे सिलेक्शन हुआ है तो जस्ट मैं यहां पे लिखूंगा निखिल शर्मा, ठीक है, देन ओके दबाऊंगा। देन यहां पे डेजिग्नेशन सपोज मैं यहां पे लिख देता हूं टेस्टिंग इंजीनियर, इस पोस्ट पे रिक्रूट होने वाला है निखिल शर्मा, और यहां पे ओके मैंने बटन दबाया और यहां पर मेरे पास ऑफर लेटर जनरेट होके आ गया है। अभी इस ऑफर लेटर में मैंने कोई फॉर्मेटिंग या फिर किसी भी तरीके की ऐसी कोडिंग अप्लाई नहीं की है जिसमें बॉर्डर वगैरह और अलग चीजें लाइक नेम और डेजिग्नेशन यहां पे अंडरलाइन हो, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाए। मैंने इसको इजी रखने का अभी प्रयास किया है, इसको और भी ज्यादा मॉडिफाई करेंगे आगे आने वाले वीडियो में। अभी आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं। तो इसके लिए ये जो टास्क हमने यहां पे क्रिएट किया है वो हमने किया है विजुअल बेसिक एप्लीकेशन मैक्रोस की हेल्प से। ये एक ऐसा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट्स का जिसमें आप जो भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, उनको आप ऑटोमेट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, कैसे वो अभी हम बताते हैं, क्योंकि मैं आपको यहां पे इस वीडियो में डायरेक्ट प्रोग्रामिंग देने वाला हूं, कहां पर कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देन कल की क्लास में मैं यहां पे आपके सामने लाइव आऊंगा और उसमें हम हर एक चीज को डिस्कस करते हुए चलेंगे और थोड़ा सा इसको और अपग्रेड भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट यहां पे पूरी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड करूंगा और कैसे अप्लाई करना है वो हम देखेंगे, और जिनको यहां पे समझना है कि ये कैसे हुआ वो कल की मेरी लाइव क्लास अटेंड कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे इस टास्क को अप्लाई करने के लिए अभी तो मैं इसको कर देता हूं क्लोज। ठीक है, मैंने इसको कर दिया है क्लोज। आपको एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि एक नया वर्ड डॉक्यूमेंट यहां पे ओपन करेंगे। मैंने विंडो प्लस आर दबाया, विन वर्ड टाइप किया और एंटर बटन दबाया और नया वर्ड डॉक्यूमेंट यहां पे मैं ओपन कर लेता हूं। इस नए वर्ड डॉक्यूमेंट में हमें क्या करना है, कुछ भी यहां पे टाइप नहीं करना है। ठीक है, हमें सिर्फ डायरेक्ट प्रोग्रामिंग यहां पे लिखनी है जो हमारा काम ऑटोमेटिकली करेगी, क्योंकि ये भी एक रिपीटेटिव टास्क है। क्योंकि एक दिन में हमें बहुत सारे एम्प्लॉय रिक्रूट करने हैं तो डेली हमें एडिट करने की जरूरत नहीं है, जस्ट नाम डाला, डेजिग्नेशन डाली, एंटर दबाया, ऑफर लेटर तैयार। इसी तरीके से सपोज आपको इंडिविजुअल पर्सन के लिए आपकी शादी है या फिर बर्थडे के लिए आपको इनविटेशन रेडी करना है, डायरेक्ट नाम डाला, किस किस को भेज दिया वो भी आपका तैयार हो जाएगा, प्लस नाम के साथ भी आपका यहां पर इनविटेशन रेडी हो जाएगा। इस तरीके से काफी सारी टेम्पलेट्स आप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करना चलिए देखते हैं। तो यहां पे आपको सबसे पहले ऊपर जाना है डेवलपर टैब में। अगर आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डेवलपर टैब आपको नजर नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, सबसे नीचे ऑप्शंस आएगा, ऑप्शंस में जाएंगे, देन यहां पे कस्टमाइज रिबन आएगा, कस्टमाइज रिबन में जाएंगे, देन यहां पे कस्टमाइज द रिबन में यहां पे आपको सभी टैब्स आपके नजर आ जाते हैं। ठीक है, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, डिजाइन टैब, इसी तरीके से यहां पे डेवलपर टैब आएगा। तो ये आपका चेक होना चाहिए, जैसे अभी ये चेक है इसलिए यहां पे शो रहा, अगर ये अनचेक होता तो यहाँ पे शो नहीं हो रहा होता। अभी आप देखिए डेवलपर टैब गया, वापस से लाने के लिए फाइल ऑप्शन कस्टमाइज रिबन देन डेवलपर को चेक करना है, देन ओके कर देना है, देन डेवलपर टैब हमारे पास आ गया। डेवलपर में जाएंगे देन विजुअल बेसिक सबसे लेफ्ट में आपको मिलेगा, आप ऑल्ट प्लस F11 भी दबा सकते हैं विजुअल बेसिक एडिटर को ओपन करने के लिए। विजुअल बेसिक पे काफी सारे वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है, इनफैक्ट आप गेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं अभी मैंने आपको बताया है, तो आप मेरी प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा, गेम, ब्राउजर, वीडियो प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर, बहुत कुछ हमने बनाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे विजुअल बेसिक पे आपको क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन यहाँ पे आपके पास ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, देन मॉड्यूल पे क्लिक करना है। मॉड्यूल पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपके पास एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें अब आपको प्रोग्रामिंग टाइप करनी है। मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट प्रोग्रामिंग दे रहा हूँ, देन आपको लाइव सेशन में हर एक लाइन आपको समझाऊंगा कल। ओके, तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग यहाँ पर जो हमने क्रिएट करी है वो है ये, जिसमें हम यहाँ पे आपको इस तरीके की प्रोग्रामिंग मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड लिंक भी दे दूंगा, आप समझिए जब तक लाइव क्लास नहीं होती।
फिर आपको जो भी क्वेश्चन होगा हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके की नोटपैड फाइल मिलेगी और आपको पूरी प्रोग्रामिंग आपको इस तरीके से कॉपी कर लेनी है, कंट्रोल प्लस ए दबा के पूरी प्रोग्रामिंग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। देन अब इसको मिनिमाइज कर देते हैं और इस पूरी प्रोग्रामिंग को आप यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर पूरी प्रोग्रामिंग आ गई है, ऑटोमेटिकली सबसेट है और अब आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, ठीक है। अब आप चाहें तो इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। क्लोज कर दिया, अब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट रेडी है, लेकिन अभी तक हमने उसको सेव नहीं किया, लेकिन सेव भी कर लेंगे। अब आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे रेडी है, ठीक है। आपको क्या करना है, जस्ट अपने कीबोर्ड से दबाना है ऑल्ट प्लस F8, F8 आप दबाएंगे, यहाँ पे क्रिएट ऑफर लेटर आपके पास मैक्रो नेम आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ये वो नेम है जो आप सबसे ऊपर डिफाइन करते हैं, ठीक है, सब के साथ, और वहां पर आप जो भी नाम डालते हैं वो यहाँ पे आपको शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना मैक्रो सिलेक्ट करके रन पे क्लिक करना है, जो ऑलरेडी सिलेक्टेड रहेगा क्योंकि सिंगल है। अगर आपके पास मल्टीपल मैक्रोज होते तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता। तो यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, आपके पास एंटर द कैंडिडेट्स नेम आ रहा है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा इस बार सचिन जैन, ठीक है, देन ओके दबाया। देन उसके बाद डेजिग्नेशन, जैसे सपोज मैंने इस बार यहां पर डेजिग्नेशन दे दी क्वालिटी इंजीनियर, ठीक है, देन ओके। ओके दबाने के बाद ये जो टेम्पलेट है ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं सचिन जैन के नाम से यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऑफर लेटर यहाँ पे आ गया है। ये सब चीजें, योर नेम, योर टाइटल, ये सब चीजें हम इस प्रोग्रामिंग में यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। योर नेम की जगह अगर मैं यहाँ पे अपना नाम डाल दूँ, जो भी HR रिप्रेजेंटेटिव है जो हायर कर रहा है या फिर जो भी हायर अथॉरिटी है जिसके नाम से हायर हो रहा है वो यहाँ पे डाल देंगे, उसका जॉब टाइटल यहाँ पे डाल देंगे, देन उसका कंपनी नेम, किस कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं वो यहाँ पे डाल देंगे, देन वही चीजें फिर यहाँ पर आएगी। आपको यहाँ पर भी कुछ एडिट नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीजें हम लाइव में सीख लेंगे, लेकिन ये सब चीजें हम लाइव में सीख लेंगे, जान लेंगे, लेकिन उससे पहले आप इस चीज को ट्राई जरूर कीजिए। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट पूरी प्रोग्रामिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन से आप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ठीक है। इसी के साथ अगर हमें ये डॉक्यूमेंट सेव करना है तो आप इसको सेव भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फाइल में जाएंगे, फाइल में जाने के बाद सेव एस पे क्लिक करेंगे। सपोज मैं डेस्कटॉप पे इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करके इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देंगे, ठीक है। मैं सपोज न्यू ऑफर लेटर के नाम से इस डॉक्यूमेंट को सेव कर देता हूं। आप चाहें तो सिंपल डॉक्यूमेंट उससे भी सेव कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो मैक्रो अनेबल डॉक्यूमेंट से भी आप सेव कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। जस्ट आपके पास एक पॉपअप आता है डॉक्यूमेंट ओपन करने के बाद अनेबल मैक्रो, तो आप जस्ट उस पर क्लिक करके अपना टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सेव कर देते हैं, सेव कर दिया, ओके कर दिया। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं, यहाँ पे नई फाइल आ गई। चलिए इसको ओपन करके भी दिखा देता हूं। डबल क्लिक किया, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था अनेबल कंटेंट यहाँ पे आ रहा है, मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड, तो हम यहाँ पे अनेबल कर देते हैं। अनेबल कर दिया, हमारा टास्क हम परफॉर्म कर सकते हैं ऑल्ट प्लस F8, ठीक है। देन रन, देन एम्प्लॉय नेम योगेश चौहान, ओके, और डेजिग्नेशन कंप्यूटर स्पेशलिस्ट, ठीक है, देन ओके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जनरेट होके आ गया ऑफर लेटर। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, और कल का मेरा लाइव अटेंड करना मत भूलिएगा। कितने बजे आएगा, कम्युनिटी टैब पर पोस्ट कर दूंगा, तो ज्वाइन करना मत भूलिएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।